महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बाद से ही शरद पवार के सामने काफी चुनौतियां हैं, लेकिन इस बीच एक खबर सामने आई जहां एक शख्स और एनसीपी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। जी हां, जिसमें कहा गया है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बैठक को बाधित करने की साजिश रची गई थी। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने राजेश टोपे का नाम लेकर आत्महत्या करने की धमकी भी दी है। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जालना जिले में के गोंडी के प्रहलाद मरकड़ को राजेश टोपे कहते हैं कि वहीं गोंडी थाने को पुलिस इंस्पेक्टर शीतल कुमार बल्लाल रेपिस्ट हैं। प्रहलाद ने टोपे से शिकायत की कि गांव के एक कर्मचारी की पत्नी से उसके खुलेआम अफेयर चल रहा है। साथ ही उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि मैंने शरद पवार की बैठक को बाधित करने की साजिश रची थी। इसके साथ ही प्रहलाद मरकड़ ने टोपे को धमकी भी दी है कि अगर मेरा कर्ज माफ नहीं किया गया तो मैं अपना नाम राजेश टोपे लिखकर आत्महत्या कर लूंगा। इन सब बातों को लेकर जिले में काफी ज्यादा बवाल और चर्चाएं शुरू हैं। लिहाजा पुलिस निरीक्षक शीतल कुमार बल्लाल को तत्काल कार्रवाई करते हुए आनन फानन में तबादला कर दिया गया है। इस बीच राजेश टोपे ने पुलिस को इसकी सूचना दी है और पुलिस इस संबंध में आगे की जांच कर रही है। लेकिन शरद पवार का ये जो मामला सामने आया, किस तरीके शरद पवार की बैठकें होंगी, जी हाँ, एनसीपी कार्यकर्ताओं की बैठकें होंगी, दो दिन में यहाँ पर कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं। अब उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो साफ ये बात निकल कर सामने आई कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है। दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस के कुछ नेता फडणवीस से मुलाकात करते नजर आए, वहां पर एक अलग चर्चा का विषय शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ एनसीपी की तरफ से खबरें सामने आ रही हैं, यानी महाविकास आघाड़ी सरकार की तीनों पार्टियां, जिसमें उद्धव गुट यानी शिवसेना, एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीनों को ही बड़ा झटका देने के लिए साजिश रची जा रही है क्या। इस पर आप क्या राय, अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अगला कदम शरद पवार का क्या रहता है महाराष्ट्र में वापसी के लिए, देखना दिलचस्प रहेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।